हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल में जिसका नाम है अंसारी S1 क्लब। मैं हूं शहजाद अंसारी एक नई एडिटिंग के साथ। चलिए देखते हैं किस तरह से एडिट किया है। आपको जो है यहां से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां से वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ से बैल का सिम्बल ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग ट्रिक वो ये है कि आपका फ़ोटो पिक्सआर्ट में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो है आप टूल्स में चले जाइए, टूल्स में जाकर फ्री कॉप में चले जाइए। और इस तरह से पूरे पे आप जो है ड्रॉ कर दीजिए। पूरे पे आपको जो है ड्रॉ करने के बाद इसे PNG साइज़ में सेव करना होगा। आपके पास अगर नया पिक्सआर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन पिक्सआर्ट है तो आपको जो है सेव करते टाइम PNG साइज़ जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको PNG साइज सिलेक्ट करके इसे सेव कर लेना है। अब जो है इसे हम रख देते हैं सेव करके। अब जो हम नए पेज पर आ जाते हैं, यहाँ से जो है वो हम एक नया पेज ले लेते हैं। उसके बाद जो है एक बैकग्राउंड इसमें ऐड करेंगे, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बैकग्राउंड को हम ऐड करने के बाद जो है यहाँ से एम्प्टी लेयर्स लेंगे ऊपर से। यहाँ नया फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ से एम्प्टी लेयर्स लेंगे और हम जो है नया फ़ोटो इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें वही फ़ोटो ऐड करेंगे जो हमने अभी अभी PNG साइज़ में क्रिएट किया है। हम डायरेक्टली इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर से हम एक एम्प्टी लेयर्स लेंगे और एक बाइक का PNG साइज़ का फ़ोटो इसमें ऐड करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से जो है हम बाइक का फ़ोटो ले लेते हैं। अब इसे ये करना है ट्रिक में कि आपको बाइक के फ़ोटो को यहाँ से उठाकर अपने फ़ोटो के नीचे कर देना है ताकि ये आपके फ़ोटो के पीछे चला जाए, ठीक है, इस तरीके से। बाद में आपको ये करना है कि आप जो है इस पे हेयर पे थोड़ा सा यहीं पे काम कर दें। तो हम यहाँ से ब्लैक ब्रश ले लेंगे और यहाँ पर जो है हेयर कलर थोड़ा सा कर देंगे और थोड़ी सी स्टाइल भी है जो इसकी हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से भी जो है वो आप हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ब्रश के सिंबल पे से आप जो है ब्रश ले सकते हैं। ब्रश लेकर आपको हल्के हल्के से इस तरीके से ड्रॉ कर देना है एकदम हल्के से, तो आपकी हेयर स्टाइल इस तरीके से जो है चेंज हो सकती है। ओके, यहाँ पर करने के बाद हम जो है यहाँ पर क्वांटिटी कम करके भी देख सकते हैं, पर ये नॉर्मल क्वांटिटी है, हम इसे ओके कर देंगे। आगे के स्टेप पे आते हैं हम। आगे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ड्रो में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है PNG साइज़ की जो है सिगरेट इसके अंदर ऐड करेंगे हम। लिंक जो है वो आपको सब फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिगरेट का फ़ोटो ऐड करने के बाद जो है हम इसकी साइज़ जो है छोटी करके यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप फिर से इसे एडजस्ट कीजिए। उसके बाद हम रबर ले लेंगे यहाँ से सेकंड, और इसकी क्वांटिटी कम रख के हम इसे सेट करके यहाँ से जो है सिगरेट के आगे पार्ट को जो है इसे इरेज कर देंगे हल्का सा, ताकि ये हमारी फिंगर के बीच में आ जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हम जो है फिर से एम्प्टी लेयर्स लेंगे, नया फ़ोटो ऐड करेंगे। आपको इस वीडियो में जितने भी फ़ोटो का मैंने यूज़ किया है सबकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक स्कल का फ़ोटो हम इसमें लेते हैं।
इसकी प्रिंट जो है वो हम अपनी टी शर्ट पे बना देते हैं। यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ से क्वांटिटी कम कर दीजिए और फिर से एडजस्ट कीजिए। बाद में हम रबर ले लेंगे और टी शर्ट के बाहर का जो अदर पार्ट है हम उसे इरेज कर देंगे। टी शर्ट के जो एरिया के बाहर का जो है उसे हम इरेज कर देंगे इस तरीके से। और फिर आपको ये करना है कि जो आपने स्कल इसमें ऐड किया हुआ है उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको कम ही रखना है। बाद में हम जो है ब्लैक कलर ले लेंगे एम्प्टी लेस लेने के बाद। और यहाँ पर जो हमारी है यहाँ पर कलर कर देंगे हम। इससे आप देखिए शर्ट का, टी शर्ट का, एनीथिंग, कोई भी कलर आप इस ट्रिक से जो है चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना रखी है। इसमें आपको ये करना होता है कि आपको जो कलर का टी शर्ट या शर्ट करना है उससे आप जो है कलर लेकर ड्रॉ कर दीजिए और ड्रॉ करने के बाद जो है वो आपको सेटिंग में से आपको क्वांटिटी उसकी कम कर देनी है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो इस तरीके से आप दोनों साइड पर जो है ब्लैक कलर हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, ब्लैक कलर होने के बाद जो है आपको ये करना है कि यहाँ पर आप जाइए ऊपर और यहाँ से देखिए इसकी क्वांटिटी जो है आप कम करेंगे तो ये हल्का और डार्क हो जाएगा। तो आपको इसकी क्वांटिटी बीच में रखना है या फिर थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 56 तक रख देंगे, जिससे ये हमने जो टी शर्ट बनाई है वो एकदम प्रिंटेड और एकदम लेटेस्ट हो गई है। इसके बाद जो है हम आगे की ये जो स्टेप देखेंगे वो ये है कि हम फिर से नया फ़ोटो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, स्मोक तो इसकी भी लिंक दे दूंगा मैं। यहाँ पर जो है एक ही फ़ोटो को हम तीन बार यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ऐड करने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ से जो है स्क्रीन इफेक्ट सिलेक्ट करना है और फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि हम इसे अपनी जगह पर एडजस्ट कर सकें। एक फ़ोटो रखने के बाद आपको ये करना है कि आप इसी फ़ोटो का कॉपी बना लीजिए। यहाँ से देखिए आप कॉपी बना सकते हैं, यहाँ से सेकंड ऑप्शन कॉपी के लिए, फर्स्ट ऑप्शन इसे एडजस्ट करने के लिए। कॉपी की जो हमने किया है उसे बड़ा कर देते हैं। फिर हम रबर ले लेंगे और जो हमारे माउथ पे जो स्मोक है उसे हम इरेज कर देंगे। इसी तरीके से फिर हम जो दो हमने कॉपी बनाया इसी तरह हम तीसरा कॉपी बनाएंगे, सेकंड ऑप्शन कॉपी के लिए, फर्स्ट ऑप्शन इसे एडजस्ट करने के लिए, और फिर से हम जो है इसे एडजस्ट कर देंगे। अदर पार्ट जो स्मोक है उसे हम रबर लेकर यहाँ से इरेज कर देंगे। इसके बाद जो है वो आपको ये करना है कि आप जो है स्मोक क्या होने के बाद इसे ओके दे दीजिए और फिर जो है हम इसे फ़ोटो को थोड़ा लाइट कर देते हैं। यहाँ से टूल्स में से जाके लाइट कर देते हैं, ओके। अब जो अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड पर टैटू लगा सकते हैं। ये लगाए या ना लगाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लगाएंगे तो ज़्यादा जो है आपका फ़ोटो हैवी लगेगा। तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है एक परिंदे का मतलब बर्ड स्विंग है उसे हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पर जो है डार्कनेस कर देंगे, यहाँ से इसे एडजस्ट कर देंगे हैंड पे। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ मैं ज़्यादातर के टैटू किस तरह लगाना है। बाद में हम ये करेंगे इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे और रबर लेके अदर पार्ट जो है वो हम इरेज कर देंगे। बिल्कुल हम इसी तरीके से काम करेंगे जैसे हमने टी शर्ट पे प्रिंट बनाने के टाइम काम किया था। इस तरीके से आप जिस तरह हमने टी शर्ट पे प्रिंट बनाई है उसी तरह आप हैंड पे जो है प्रिंट बनाएंगे। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है टैटू बनाते टाइम कि टैटू में आप जो फ़ोटो यूज़ करें उसकी जो है क्वांटिटी हमेशा एकदम कम रखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ से उसकी क्वांटिटी आप जो है 30 से 40% रखनी चाहिए।
उसी तरह से दूसरी बार वही फ़ोटो एडिट करेंगे और वही ट्रिक हम लोग यूज़ करके दूसरे हैंड पर हमारे टैटू चिपका देंगे। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है वो कुछ दिनों तक लगभग 120 डे तक, मतलब 20 डे तक मैं सलंग जो है हर रोज़ एक वीडियो डालने वाला हूँ। लगभग 20 दिन में मैं 20 वीडियो डालने वाला हूँ, तो मैंने लगभग 2 वीडियो तो डाल दिए। अब जो है 17 वीडियो और मुझे डालना है, तो मैं बैक टू बैक 17 डे 17 वीडियो डालूँगा। तो आपसे जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें और आपका जो है सपोर्ट दें हमारे चैनल को। मैंने और भी पहले भी कहा है कि आप जो है हमारे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, पर शायद मेरे सब्सक्राइबर को कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे जो है वीडियो को लाइक नहीं करते। व्यू आते हैं पर जो है लाइक बिल्कुल ही नहीं आता। तो अब सबसे लास्ट ऑप्शन हम ये देखेंगे कि इफ़ेक्ट में जो है सबसे लास्ट से सेकंड इफ़ेक्ट आपको ले लेना है। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो हम ये करेंगे कि रबर ले लेंगे और हमें सिर्फ इतना करना है कि आपको हेयर स्टाइल का और टी शर्ट, हेयर स्टाइल और टी शर्ट को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट आपको जो है वो रबर लेके इफ़ेक्ट को जो है वो इरेज कर देना है। देखिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको हेयर स्टाइल को, हेयर को और टी शर्ट को सिर्फ जो है इरेज नहीं करना है। देखिए हेयर के ऊपर का हम इरेज कर देते हैं, टी शर्ट की आजू बाजू का इरेज कर देते हैं, बाइक बैकग्राउंड, बस आपको करना है। ये हमारा फ़ोटो जो है कम्प्लीटली तैयार हो गया। हमारी वीडियो देखिए आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई है और मैं अभी बैक टू बैक 17 दिन तक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ रोज़ एक। तो आप जो है ज़रूर देखते रहें और लाइक करें, आपका जो है योगदान रिस्पॉन्स हमें दें, तो हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अभी के लिए देखिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है तो आप जो है यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से बेल का सिंबल ऑन कर सकते हैं। मैं हूँ शहजाद अंसारी, अभी के लिए इतना ही। अंसारी S7 से खुदा हाफिज़, शायो नारा, बाय बाय।